चलो सो डाउट्स बोलो. फर्स्ट वन, सेकंड, थ्री, फोर, फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव कुठंच नाही आहे. डायरेक्ट 14. 1 2 3 4 5 कोई भी डाउट नहीं है. थर्ड क्या है? थर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट ए डिस्टेंस कितना है? 27.2. बाद में सेम कंडीशन है, बस वहाँ पे हीलियम लेके आ गए. हाइड्रोजन एंड हीलियम में क्या डिफरेंस है? दोनों की न्यूक्लियस में डबल है तो चार्ज डबल हो रहा है. पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इक्वल्स टू 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर. तो क्यू डबल तो वी भी डबल. 27 का डबल चला 4 5 6 7 8 9 10. 1 to 10 नो डाउट. 11 12 13 14. हाँ 14 में क्या बोला है? 64 स्मॉल ड्रॉप्स. ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड चार्ज क्यू. कोलेस मतलब कंबाइन हो रहे टू फॉर्म बिग ड्रॉप. रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप टू विद दैट ऑफ बिग ड्रॉप इज. अब कंडीशन क्या है देखो, कि हमें यह मालूम है वी इक्वल्स टू क्या होता है? एन रेस टू 2/3 टाइम्स ऑफ वी होता है अगर उनको कंबाइन करेंगे तो. लेकिन हमें यहाँ पे चार्ज का या फिर पोटेंशियल का रेशियो नहीं पूछा है. किसका रेशियो पूछा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का. ठीक है, तो उससे क्या होगा देखो, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो एरिया बिगर ड्रॉप का था कितना था? 4πR² उतना ही एरिया 64 इंटू 4πr² छोटे छोटे ड्रॉपलेट का होगा. तो यहाँ पे 4π 4π R इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल r. अब सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए. ए मतलब कौन होगा यहाँ पे? 4π. अगर स्मॉल का लेंगे तो R² एंड कैपिटल का लेंगे तो, कैपिटल का मतलब बिग का लेंगे तो क्यू अपॉन 4π R² इसका चार्ज है एस, इसका चार्ज है बी, इनको डिवाइड करना है. तो क्या बचेगा? सिग्मा फॉर स्मॉल अपॉन सिग्मा फॉर बिग इज इक्वल्स टू क्यू फॉर एस अपॉन क्यू फॉर बी इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वेयर. यहाँ तक क्लियर है? तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का रिलेशन हमारे पास पहले से है. अभी चार्ज का रिलेशन चाहिए. तो चार्ज में क्या होता है जब हम कंबाइन करते हैं तो कैपिटल क्यू इक्वल्स टू एन रेस टू 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू होता है. तो स्मॉल ड्रॉप का चार्ज अगर क्यू है तो बिग का कितना होगा? 64 रेस टू 1/3 मतलब 4 इंटू क्यू. कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर कितना है? 8 8 स्क्वायर. तो 64 अपॉन 4 कितना आता है? 16. मतलब 16:1 का 1:16. एक मिनट ना, रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी वॉल्यूम से ही निकालना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ पे हमने एरिया लिया था, वॉल्यूम इक्वेट कर रही है. 4/3 ये आर का क्यू. तो कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना आता है फिर? 4 टाइम्स ऑफ आर. तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16. 16/4 मतलब 4:1. एरिया नहीं है, वॉल्यूम इक्वेट करनी है. 4:1 का 1:4. 1:4 क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? स्मॉल ड्रॉप टू दैट बिग ड्रॉप. अपन काय काढले? स्मॉल टू बिग, बरोबर है. 4:1 ही होगा. 4:1 क्लियर. शंतनु देवेश चला. 15 16 17. बरं, हे लिहून घ्या, मग पुढची विचारतो. चलो, हो गया क्लियर. 14
आगे डाउट बोलो 15 मार्क्स ट्यूब बंद कर मार्क्स बटन मार्क्स 15 16 17 18 19 20 20 तक हो गए सबको क्लियर आगे 21 22 22 गॉसियन नहीं कंसीडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फिगरेशन और हमें क्या बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है अगर फ्लक्स बोलते तो सिर्फ Q1 एंड माइनस Q2 मतलब जीरो हो जाता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज प्रोड्यूस करते हैं गॉस किसके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ फ्लक्स के लिए और वहाँ पे चार्ज इनक्लोज होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे कोई रूल नहीं इसलिए ऑल चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होगा ठीक है 23 स्क्वेयर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर अब देखो स्क्वेयर भी प्लेन ऑफ पेपर में है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन ऑफ पेपर में तो एरिया को नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगा मतलब थीटा विल बिकम फाई इक्वल्स टू ईडीएस कॉस थीटा कॉस 90 जीरो तो फ्लक्स विल बिकम जीरो लक्ष्य नेक्स्ट 24 25 शंतनु 24 का इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्या इक्वेशन ई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई नॉट अलोंग आई कैप प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ई नॉट अलोंग जे कैप एंड माइनस फाइव टाइम्स ऑफ ई नॉट कहाँ पे अलोंग के कैप एंड हर एक केस में ई नॉट की वैल्यू दी है कितनी है 100 न्यूटन पर कूलम और हमें बोला है कि हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू रिक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया दिया है कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन दिस रीजन इन सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एरिया कैसा है पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब एरिया का जो नॉर्मल रहेगा परपेंडिकुलर वो कहां पे लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब डीएस कितना लेना पड़ेगा 0.2 इंटू आई कैप मीटर स्क्वायर लगा एक्स के अलोंग है मतलब आई कैप के साथ लिखना पड़ेगा फ्लक्स क्या होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनका जीरो हो जाएगा 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 इंटू 100 मतलब 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम शंतनु चला 25 26 27 24 मध्ये हाँ एरिया पैरेलल टू वाई की नहीं मग अपन एरिया वेक्टर घेताना कुठे घेतो एरिया वेक्टर कहाँ पे लेते हम नॉर्मल के अलोंग मग एरिया जर वायला पैरेलल आहे म्हणजे वायच्या अलोंग आहे तर त्याचा नॉर्मल एक्सच्या अलोंग येईल ठीक आहे आन्सरमध्ये असेल प्रिंट मिस्टेक कळालं ना नाहीतर मग त्यांनी परपेंडिक्युलर टू वाय म्हणायला पाहिजे मग आपण काय केलं असतं 3E0 × 0.2 मतलब 60 आ जाता फिर पण पॅरलल टू वाय एरिया आहे तो उसका परपेंडिक्युलर तो अलोंग वाय नाही आएगा 25 26 27 28 27 TNEI फाइंड करना है TNEI क्या होता है समेशन ऑफ चार्जेस तो ए वाले एरिया में दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो बी में कौन है 2Q एंड माइनस क्यू जीरो कॉमा क्यू हाँ एडिशन अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस होता है ना TNEI ओके 28 29 29 29 में क्या है चार्ज 12 माइक्रो कूलम केप्ट इनसाइड क्लोज सरफेस तो फ्लक्स कितना होगा उस पोर्शन से जो पाई इतना एंगल बना रहा है देखो जब हमने 1/4πε ये कॉन्स्टेंट लिया था तब मैंने आपको बोला था 1/4π क्यों लेते हैं क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में वेरी गुड एंड किसी भी क्लोज्ड बॉडी का सॉलिड एंगल कितना होता है 4π होता है समझ में आ रहा है तो हमें बोला है कि ओनली पाई इतने पोर्शन में फ्लक्स फाइंड करना है मतलब पोर्शन कितना हुआ टोटल के 1/4 हुआ ना 4π का पाई मतलब 1/4 तो टोटल फ्लक्स होता है Q / ε
उसको क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/4 मतलब 3 अपॉन इप्सिलॉन, कौन सा ऑप्शन है, सी, क्लियर। 29 होता, ओके, 30, 31, 32, 33, 32, सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए चार्ज यूनिफॉर्मली एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट सेंटर इज, नहीं डाउट को ना मैं बगत 2K लैम्डा अपॉन आर येईल का, 2K लैम्डा अपॉन आर, आणि काय दिलंय, बी दिलंय ना, पाय तर कट होतच नाही, ठीक आहे। सेमी सर्क्युलर आर्क आहे, रेडियस आहे, नाही वही होगा 2K लैम्डा अपॉन आर, तो के कितना, 1/4 pi epsilon लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon नॉट इंटू ए, यही है क्योंकि 2 कट हो जाएगा ना, 4 आ रहा है वहाँ, ओके। 33, डाउट है क्या, आलं डाउट है, ओके। अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना है, -1 × 10³ टू पास थ्रू अ स्पेरिकल गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, प्रतीक, φ = q/ε, तो q = φ × ε, फाइ कितना है, 1 × ε, इप्सिलॉन कितना होता है, 8.85 × 10⁻¹². येईल मग आता, वेरी गुड। 34, 35, 36 मध्ये साइन निगेटिव का आली, ओके। इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव लेते हम, आउटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, हे बघ पॉजिटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ फोर्स आवेज आ रही है, तो फ्लक्स भी आवेज आएगा, इनवर्ड है मतलब चार्ज निगेटिव होगा, तो इनवर्ड बोला है 8, आउटवर्ड बोला है 4, तो -8 + 4 टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस, कळालं, 36 हो गया। 42 क्या दिया है, 42 में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर जस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी है, 150 Newton/Coulomb, और बोला है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ, अरे किसको डाउट है ये 42 वाला, किसको डाउट है, तुला डाउट है, E = σ/ε, मैं सिग्मा विचार ले, ε × E, बर 43 डाउट है का, नाही मी तर ऐकले होते नंबर 42 43 विचारतो आहे ना, 42 झाला, 43 बी डाऊट आहे। इलेक्ट्रिक डायपोल इज पुट नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन इन स्पेअर फिल्ड विथ वॉटर, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड द स्पेअर, फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द स्पेअर, डायपोल है ना तो फ्लक्स होगा ही नहीं क्योंकि जितना बाहर आ रहा है प्लस का उतना ही अंदर जा रहा है, थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग सेम है, सी ऑप्शन। 44 45 कैपेसिटर का है क्या, ठीक है उसको एक दो दिन बाद ले लीजिए। 46 47 48 49 50 51 52 हो गए, डाउट भी खत्म, वाह वाह, असं वर्क तुम्ही जर केलं तर आपल्याला वर्कशीट मग 50 100 बनवू शकतो आपण, ही 4 होती ना वर्कशीट, चलो आज एक छोटीशी सॉल्व करू अजून, एक 5 मिनट वर्कशीट आ रही है।
बघा फर्स्ट डेला सोडवले तेव्हा बरेच प्रॉब्लेम होते बरोबर, सेकंड डे, थर्ड डे आणि आता चौथा पाचवा दिवस असेल म्हणजे आउट ऑफ 50 फक्त तुमचे 5 ते 7 डाऊट आहेत.